एक दफ़ा और पब्लिक का काफ़ी रश है और ये बल्ला सानी फरमाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर वाफिस से होंगे। तो भाई सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं साथ व्लॉग्स में। और अभी मैं इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये कोई मैं मंडी में मौजूद नहीं हूँ, एक शौकीन के छत के ऊपर मौजूद हूँ और ये 3rd फ्लोर है। ओवरऑल व्यू देखेंगे माशाल्लाह, इन्होंने जानवर एक पाला था आज से 6-7 महीने पहले, इन्होंने लाया था मदीन मंडी से, तो उनसे हम जाके एक इंट्रोडक्शन भी लेंगे, सारे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, चीज़ें पूछेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसमें अनलोडिंग की वीडियो होने वाली है। काफ़ी खूबसूरत बछड़ा है, इस वीडियो के आगे बछड़ा भी नज़र आएगा और अनलोडिंग भी नज़र आएगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन में क्लिक कर दे, हर आने वाली वीडियो इसी तरह आप लोगों को मिलते हैं। तो जल्दी से चलते चेक कर दें। अच्छा भाई, अशरफी पकवान वालों ने इसे पाला है और खूबसूरत बछड़ा है और एक बछड़ा पाला है भाई। अभी इसे थोड़ा सजावट कर रहे हैं, सजा के फिर इसे नीचे अनलोड करेंगे और माशाल्लाह अनलोडिंग भी दिखाएंगे आपको। और काफ़ी खूबसूरत बछड़ा है भाई, और ताज वगैरह पहना दिया है और दांतों में क्या है अभी मतलब। अच्छा भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इस शौकीन की बहुत मेहनत है। नाम क्या है बेटा आपका, पहले नाम बताएं। मोहम्मद फुजैल। अच्छा मोहम्मद फुजैल। फुजैल साहब, फुजैल साहब माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा तैयार किया आपने, कितना टाइम दिया आपने? 5 महीना। अच्छा 5 महीना पाला है, और क्या दांतों में हो गया ये 2 दांत? हाँ। और इसे कुर्बानी करना है? अच्छा खुद कुर्बानी करने के लिए माशाल्लाह इन्होंने पाला था, और खूबसूरत है भाई, ताज वगैरह पहनाया है, और 5 से 6 महीना इन्होंने पाला है और खूबसूरत है भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है। और अच्छा कुछ नाम वगैरह रखा है इसका? नहीं नाम। अच्छा अच्छा लाली नाम रखा है भाई, लाली नाम रखा है। और इसे परचेज कहाँ से किया था आपने? मलीर मंडी। अच्छा मलीर मंडी से परचेज किया था, और कितने का किया था ये भी बता दे हमारे लोग। 1,80,000। अच्छा 1,80,000 का आपने परचेज किया था भाई, 1,80,000 रुपये का इन्होंने परचेज किया था आज से 5 से 6 महीने पहले। और खूबसूरत है अशरफी पकवान वाले ने, और इनका मतलब एक लाली इसका नाम रखा गया था, खूबसूरत है। और अब ये क्रेन लगा हुआ है यहाँ पे, अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग भी दिखाएंगे, चलते हैं आगे। सब इससे अनलोड होगा, और काफ़ी हाइट में इन्होंने पाला है माशाल्लाह, अच्छे खूबसूरत बछड़ा है, और ये ताला लगा हुआ है, लोग भी काफ़ी जमा है, और वहाँ शायद लड़ाई वगैरह हो गई है, तो देखते हैं भाई। और इसके अनलोडिंग भी देखेंगे अब, और जल्दी से नीचे जाएंगे अनलोड के वक्त, और आप लोग को अनलोडिंग दिखाएंगे। खूबसूरत बछड़ा है भाई, और दांतों में 2 है, और लाल इसका नाम रखा गया है, स्टार्ट हो गई है, और माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है यार, जितनी तारीफ की जाए कम है। और साफ़ सुथरे जगहों में इन्होंने पलाई किया है, और ये खूबसूरत सा बछड़ा है, और अब इसकी अनलोडिंग देखते हैं। और इन्होंने छत पे पाला है, और ये 3rd फ्लोर में इन्होंने पाला है, एक दफ़ा और दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा ये जो भाई ने इसे पाला है उससे बात भी कर रहे हैं, और एक दफ़ा नीचे उतर गया है, और भाई फटाफट है, और आवाम का भरपूर रश है, गली पे भी काफ़ी आवाम है, वहाँ पर भी आवाम है, ये पूरी गली पर आवामी आवाम है, और इनसे उतारे लगा हुए हैं भाई। जानवर डर रहा है काफ़ी, क्योंकि छत से पाला है, डर रहा है, तो गाड़ी वगैरह आवाम भी काफ़ी है, मतलब आसानी फरमाए। खैर ऑफिस से नीचे उतर गया भाई। जाले को बंद कर रहे हैं अभी, और एक ये अच्छा तरीका है बंद करने का, मतलब वरना तो बाज़ अवकात लोग होते हैं वो जो जानवर के ऊपर चारों पट्टा बांधते हैं उससे उतारते हैं, और ये एक अच्छा तरीका उतारने का, मतलब एक जंगला टाइप का है, और ये किरान है, और ये मतलब जानवर भी सेफ़, इससे कोई इशू वगैरह भी ना होता है, थोड़ा सा इशू करेगा, थोड़ा सा मसला बनाएगा, और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हमको और रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज संडे है और ऑफ टाइम है, तो आवाम भी भाई भरपूर मज़े लेते हुए और संडे इंजॉय करते हुए, और एक अनलोडिंग देख रही है, काफ़ी खूबसूरत बछड़ा और लैंड थी, और एक अच्छी है, 3rd फ्लोर में इन्होंने पाला है, और ये अभी नीचे उतर रहा है भाई, देखते हैं। अभी इन्होंने कान के नीचे उतारा था, बट ये जानवर का इशू कर रहा था,
उन्होंने थोड़ा और रस्सी टाइट किया, उसके बाद फिर उतारते हुए वीडियो दिखाते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में क्लिक कर दें, इसी तरह हर आने वाली वीडियो इसी तरह आप लोगों को मिलते रहेगी। और इसके बाद अब जल्दी से चलना है नेवल मंडी की तरफ, वहाँ पे रेट्स वगैरह भी देखना है। एक गाड़ी वाले और एक जो भाई ने पास खड़े हो गए, मतलब खड़ा होना एक से चलो 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 एक बंदे जो है वो मतलब इसके ऊपर ही कार के ऊपर ही है, कोशिश यही है कि भाई शोर कोई ना करे क्योंकि जानवर काफ़ी डर रहे हैं और इससे मतलब किसी को नुकसान ना हो, जानवर को नुकसान ना हो, किसी लोगों को नुकसान ना हो। तो जल्दी से उतार दें, जल्दी से उतरे उसके बाद फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये ऊपर की तरफ कर रहे हैं और फिर नीचे लेंगे। अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए। और ये अब ये नीचे की तरफ कर रहे हैं इसको मूव, क्योंकि अब गली की तरफ उतारेंगे इसे, तो गली की तरफ थोड़ा मूव कर रहे हैं इसे। और ये अभी ऊपर की तरफ हुआ है भाई, थोड़ा सा रास्ते ये काफ़ी ऊपर ले लिया, उसके बाद अब इसे थोड़ा मूव करेंगे राइट, आसानी पर होगा। आसानी फरमाए भाई, खूबसूरत बच रहा है और भारी बच रहा है। और ये झंडा है देखकर आसानी फरमाए। और ये अब गली की तरफ इसे मूव किया है और इसके बाद ये आवाम का रश देखे एक दफ़ा, और काफ़ी आवाम है और बहुत दूर दूर से आवाम आई है भाई देखने के लिए। ये छप्पे पालक और ये पकवान वाले हैं, नाम क्या पकवान का? अशरफी पकवान। अशरफी पकवान भाई। अच्छा पहले पब्लिक का रश दिखा देता हूँ एक दफ़ा और, पब्लिक का काफ़ी रश है और ये अल्लाह आसानी फरमाए। और अब ये नीचे उतर रहा है यार आराम आराम से और ये तौला लगा हुआ है। नीचे की तरफ जा रही है। फाइनली फाइनली भाई काओ नीचे अनलोड हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है और नीचे ही रहना बाकी है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे मतलब एक अच्छा सेफ था और आवाम की भरपूर रश है और दिखा रहा हूँ, आवाम की शोर भी काफ़ी आवाम का है। और ये फाइनली जानवर भाई नीचे अनलोड हो चुका है और एक दफ़ा और अब नीचे चलते हो, नीचे ओवरऑल व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ भाई आवाम का कितना रश है। और ये मैं औरंगी टाउन में वाकई है एक घर के पास, औरंगी टाउन में मैं भाई इस वक्त मौजूद हूँ और ये काफ़ी छत के ऊपर थर्ड फ्लोर में इन्होंने पाला था। एक दफ़ा ओवरऑल व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को, काफ़ी मतलब अच्छे से इन्होंने पाला और आवाम का भी काफ़ी रश। एक जानवर इन्होंने पलाई किया था, अशरफी पकवान हाउस इनका एक कोई कारोबार है और इस जगह पर इन्होंने जानवरों को पाला था और एक ये रूम बना हुआ था और एक अच्छा मतलब एक शौक था। काफ़ी रश है भाई माशाल्लाह, औरंगी टाउन के ये शौकीन हैं और ये तीन भाई हैं, इन्होंने तीन भाइयों ने मिलकर मतलब जानवरों को पाला है और सबका मतलब हक था थोड़ा थोड़ा और उन्होंने सारे हक अदा किए। और इसके बाद ये माशाल्लाह जानवरों को अनलोड हुआ, आप लोगों ने देखा थर्ड फ्लोर में इन्होंने पाला था, काफ़ी मेहनत थी। और ये औरंगी टाउन का शौकीन प्लस आवाम का रश, आवाम की मोहब्बत और आवाम का जज्बा। उसके बाद एक जानवर की वीडियो भी दिखाएंगे, पिक्चर भी लेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे आप लोगों को, इसकी पहले की पिक्चर दिखाएंगे, आज से 6 महीने पहले की पिक्चर। खैर ऑफिस से जानवर के ऊपर जो चादर बांधा था वो भी उतार दिया। आवाम का रश और आवाम की एक मोहब्बत और एक आवाम का जज्बा और जनून देखा जाए। और इसके बाद इन्होंने जो बंदोबस्त किया मतलब जानवर जहाँ पर रहेगा और जो इन्होंने एक बनाया है सेटअप जानवर के लिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर से मतलब छपड़ा भी बना हुआ है, कोई बारिश का पानी, कोई बारिश की वजह से कोई इशू ना हो,
इसके अलावा मट्टी डाला हुआ है और रबर और मिल्क देने के करीब जाकर। भाई फाइनली जानवर अनलोडिंग हो चुका है और खूबसूरत बछड़ा था यार, और जितनी तारीफ की जाए कम है। इसके अलावा इन्होंने जो मतलब सेटअप बनाया था जानवर रखने का काफ़ी, ये भी अच्छा था। ऊपर से एक छपड़ा मारा हुआ है बारिश से मतलब महफूज, और जो इंतजाम किए थे, और उसके अलावा जो इन्होंने पाला था छठ फ्लोर में पाला था काफ़ी हाइट की, और ये औरंगी का शौकीन, औरंगी का जज्बा। उसके बाद ये जो भाई ने पाला था उनसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, पहले जानवर दिखाते हैं भाई खूबसूरत सा, और इन्होंने तैयार वगैरह किया था जानवर। अच्छा भाई, तो अब हम फुजैल साहब के पास मौजूद हैं, और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर फुजैल साहब ने पाला था, और तो फुजैल साहब से थोड़ी इंट्रोडक्शन भी लेते हैं। और ये औरंगी के शौकीन हैं, और अच्छे मतलब पाला आपने, मतलब कितना टाइम लगाया फुजैल पे इसमें आपने टोटल? 5 महीना पूरे। अच्छा 5 महीने लगाया इसमें, मतलब मुश्किल हालात के आए होंगे कुछ, और मतलब जानवर इसी तरह लाया था? नहीं नहीं, काफ़ी कमजोर था। अच्छा, काफ़ी कमज़ोर था, और इसके मतलब कि क्या नाम क्या रखा था आपने? नाम लाली। अच्छा लाली नाम रखा था भाई, लाली नाम रखा था। खूबसूरत सा बछड़ा दो दांतों में तैयार किया फुजैल साहब ने, मलीर मंडी से, मलीर मंडी से परचेज़ किया था ना? अच्छा मलीर मंडी से परचेज़ किया था भाई। और मतलब इन बात की जाए शौकीन की, तो काफ़ी मतलब शौकीन है अगर देखा जाए बाग के रास्ते, तो जानवरों को उन्होंने एक अच्छा सेटअप किया उतारने के बाद। एक ऊपर छपड़ा लगाया बारिश वगैरह सेफ्टी के लिए, और इसके अलावा एक लकड़ी का जाल लगाया कोई इशू ना हो। तो अब इसे रखना यहीं पर है? यही रखी है बस, रात में जगह चेंज करेंगे। अच्छा रात में जगह चेंज कर देंगे और बाकी से यहीं पर रखना है। ठीक है यार, बहुत शुक्रिया आपके पाला। अच्छा हर साल का इरादा है या पहले साल? हर साल का इरादा है, पहला साल है। अच्छा पहला साल पाला था, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ, कुछ लोगों को बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब कोई इशू वगैरह का कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि नहीं यार ये इशू आता है ऐसा होता है, बीमार होता बहुत परेशान। अच्छा बीमारी में परेशानी होती है, और इसके अलावा कोई इशू नहीं? अच्छा कुछ भी नहीं इशू भाई, इन्होंने पहली दफ़ा पाला था और माशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और ये अब ये कह रहे हैं कि हर साल पालेंगे, और एक अच्छा मतलब इन्होंने तैयार किया था। इसकी प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगी आपको। और भाई ये था फुजैल साहब का मतलब एक खूबसूरत सा बछड़ा। भैया चैनल को लाइक कर दें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, और अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।